नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था अंक गणितीय तर्क शक्ति। ये मेरा 13 नंबर टॉपिक है, 13 नंबर टॉपिक है। इससे पहले मैं 12 टॉपिक अपलोड कर चुका हूं जो अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं। जिसने वो टॉपिक नहीं देखे वो पहले प्ले लिस्ट में जाके टारगेट विद बलराम स्वामी यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है रीजनिंग बाय बलराम स्वामी, उसके अंदर सारे टॉपिक अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये मेरा 13 नंबर टॉपिक है, इसके दो पार्ट अपलोड कर चुका हूं, ये आज तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट का टाइप नंबर है 12। अलग अलग बिखेर कर आपको टाइप करवा रहा हूं ताकि किसी प्रकार की किसी समस्या का आपको सामना न करना पड़े, किसी भी प्रकार की किसी टाइप के अंदर कोई समानता न रहे, उसको भिन्नता के हिसाब से अलग अलग लेकर चल रहे हैं। तो मित्रों, इसमें मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको। क्वेश्चन मेरा ये है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है, और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चन था उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए मेरी बात, जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर रहा हूं मैं। इसने कहा एक पार्टी में, देखो कोई पार्टी चल रही थी, एक पार्टी में प्रत्येक दो व्यक्तियों के बीच में एक दाल का प्याला है। इसने कहा कि पार्टी है और पार्टी में जो प्रत्येक दो व्यक्ति हैं, प्रत्येक दो जो व्यक्ति हैं उनके बीच में एक दाल का प्याला है। किसका प्याला है? दाल का। पार्टी चल रही है, पार्टी के अंदर दाल है। उसने फिर कहा कि प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच में, प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच में एक चावल का प्याला है। प्रत्येक दो व्यक्तियों के बीच में तो एक दाल का प्याला है और प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच में, तीन व्यक्तियों के बीच में एक चावल का प्याला है। किसका प्याला है? एक चावल का प्याला है। फिर इसने कहा और प्रत्येक चार व्यक्तियों के बीच में एक मिठाई का प्याला है, और प्रत्येक चार व्यक्तियों के बीच में, चार व्यक्तियों के बीच में एक मिठाई का प्याला है। ये इसने क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। देखिए आगे, इसने कहा कि एक पार्टी चल रही है, उस पार्टी में प्रत्येक दो व्यक्तियों के बीच में एक दाल का प्याला है और प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच में एक चावल का प्याला है और प्रत्येक चार व्यक्तियों के बीच में एक मिठाई का प्याला है। तो इसने कहा कि उस पार्टी में कुल 78 प्याले हैं। प्यालों की संख्या बताई इसने, जो डोंगे हैं उनकी संख्या बताई है, उनकी संख्या कुल 78 है। तो इसने पूछा कि तो उन प्यालों के हिसाब से बताइए कि उस पार्टी में कितने आदमी हैं, उस पार्टी में कितने आदमी हैं। तो मित्रों, इस प्रकार का जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, तो इसको एक किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला लगा के नहीं करेंगे, एलसीएम से होगा वो बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन पहले अपने इसको एक प्रैक्टिकली वे से करते हैं, एक प्रैक्टिकली वे से करते हैं। वो कैसे करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखो मित्रों, मैं इसकी हर एक कंडीशन को पूरा करूंगा, हर एक बात को मैं पूरा करता हुआ चलूंगा और फिर उस हिसाब से इसका आंसर निकालेंगे। पहले प्रैक्टिकली देखिएगा, फिर इसके बाद में आपको इसका आंसर जो है वो ट्रिक से या लॉजिक से या फॉर्मूले से बताऊंगा। तो देखो मित्रों, इसने कहा कि प्रत्येक दो व्यक्तियों के बीच में एक दाल का प्याला है, पार्टी चल रही है, टेबल लगा हुआ है पार्टी के अंदर, और मैंने दो व्यक्ति बना दिए, व्यक्ति फर्स्ट व्यक्ति सेकंड, और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक दाल का प्याला है। किसका प्याला है? दाल का। इन दोनों के बीच में मैंने दाल का प्याला रख दिया, अगर ये व्यक्ति दाल लेगा तो इसमें से लेगा, ये लेगा तो इसमें से लेगा। क्लियर? उसके बाद इसने कहा कि प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच में एक चावल का प्याला है। अरे दो व्यक्ति तो मेरे पास है, मेरे को एक व्यक्ति और लेके आना है। अब कितने हो गए? तीन व्यक्ति हो गए। इन तीनों के बीच में एक चावल का प्याला है, और चावल को इंग्लिश में क्या बोलूंगा? राइस। चावल को इंग्लिश में क्या बोलूंगा? राइस। तो मैंने इसके लिए लिख दिया आर। देखो, अगर ये दोनों व्यक्ति दाल लेंगे तो इस प्याले में से लेंगे, और अगर ये
तीनों व्यक्ति चावल लेंगे तो इस प्याले में से लेंगे, लेकिन प्रत्येक चार व्यक्तियों के बीच में मित्रों एक मिठाई का प्याला है। और कौन सी मिठाई? अंगूरी रबड़ी का। खाई होगी आपने अंगूरी रबड़ी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है अंगूरी रबड़ी मिठाई। खाई जरूर है क्योंकि पता नहीं है ना, फ्री की खाई है ब्याह शादियों के अंदर, तो पता नहीं होता भी कौन सी मिठाई है। तो देखो मित्रों, प्रत्येक दो व्यक्तियों के बीच में एक दाल का प्याला, क्लियर। प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच में एक चावल का प्याला, और प्रत्येक चार व्यक्तियों के बीच में एक मिठाई का प्याला। किसका प्याला? मिठाई का। इतना क्लियर हो गया। अब देखो मित्रों, प्रत्येक दो की बात की है, इन दोनों, ये दोनों तो दाल इसमें से ले लेंगे, लेकिन ये महाशय क्या सीधे चावल खाएंगे? नहीं, जाते नहीं आगे, सीधे चावल गले में रुक जाएंगे। तो ये क्या होंगे फिर? इन दोनों के बीच में एक दाल का प्याला रखना पड़ेगा। अब ये दोनों दाल इसमें से लेंगे और ये दोनों दाल इसमें से लेंगे, ये तीनों जो है वो चावल इसमें से लेंगे और ये चारों जो है वो मिठाई इसमें से लेंगे। अब ये महाशय कहता है, जी हमें दाल के साथ कुछ खाने के लिए दोगे? तो दाल के साथ इसको खाने के लिए चावल चाहिए, और चावल मैं अकेले को तो देता नहीं, चावल देंगे तो हम कितने को देंगे? तीन व्यक्तियों के बीच में एक प्याला रखूंगा तो दो व्यक्ति और आएंगे और दो व्यक्ति और आ गए, अब इन तीनों के बीच में मैं चावल का प्याला रखूंगा। रख दिया, आप तीनों इसमें से चावल लीजिए। अब ये दोनों कहते हैं, महाराज नून तो मैं भी दियो, बान में भी दियो, मारा दाल कटे हैं तो एलो जी दाल, इन दोनों के बीच में मैं दाल रख दूंगा। ये कहते हैं कि दाल और चावल से पार्टी नहीं होती, मिठाई भी तो चाहिए। तो मिठाई मैं कितने व्यक्तियों को देता हूं? प्रत्येक चार व्यक्तियों को मिठाई देता हूं। अरे दो को मैं मिठाई नहीं दे सकता, मिठाई तो मैं चार को ही दूंगा, दो और लेके आओ, ये दो और आ गए, इन चारों को मैंने मिठाई दे दी, और मिठाई कौन सी? अंगूरी रबड़ी दे दी। अब देखो, इनके पास मिठाई आ गई, दाल आ गई, चावल आ गए। अब ये दो कहते हैं, जी मिठाई मिठाई से पेट थोड़ी भरता है, दाल भी चाहिए। बिल्कुल देंगे जी, इन दोनों को मैंने दाल दे दी। अब आप कहते हो कौन सा लंगर खोल रखा है? ये लंगर नहीं, क्वेश्चन है, करना पड़ेगा, चल तो चलते हैं साथ साथ, पूरी पार्टी खत्म करेंगे आज। अब ये कहते हैं, जी दाल दे दी, चावल दे, दावल दे दी, अंगूरी रबड़ी दे दी, लेकिन हमें क्या नहीं मिले? हमें चावल नहीं मिले, और चावल तो बलराम स्वामी तीन को ही देता है, और ये तीनों को मैंने चावल दे दिए। आप भी खाने आ जाना, तीन के ग्रुप में आना, इन तीनों को मैंने चावल दे दिया। अब ये महाशय बोल पड़ा, मिठाई दे दो, अंगूरी रबड़ी दे दो, दाल दे दो, अकेले चावल खाए नहीं जाते, और दाल अपने कितने को देते हैं? दो को, ये दाल देते। अब ये बंदा बोला चावल दो, चावल अपने कितने को देते हैं? तीन को, एक तो है ही, एक दो और तीन हो गए टोटल, इनको मैंने चावल दे दिए। अब ये कहते हैं चारों मिठाई कहां है? मिठाई दे देंगे, इन चारों को हमने मिठाई दे दी और इन दोनों को हमने दाल दे। देखो मित्रों, प्रत्येक, अब इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखना, प्रत्येक दो व्यक्तियों के बीच में एक दाल का प्याला, प्रत्येक दो व्यक्तियों के बीच में एक दाल का प्याला, सब व्यक्तियों के बीच में एक दाल का प्याला रख दिया मैंने, है। प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच में एक चावल का प्याला, वन टू थ्री चावल, वन टू थ्री चावल, वन टू थ्री चावल, वन टू थ्री चावल, प्रत्येक तीन के बीच में एक चावल का प्याला का, और प्रत्येक चार व्यक्तियों के बीच में एक मिठाई का प्याला, एक दो तीन चार एक प्याला, एक दो तीन चार एक प्याला, एक दो तीन चार एक प्याला। मित्रों मेरे को ये बता दीजिए कि आपके जो प्रश्न का जो नियम है, अनुसार जो जो बातें बताई गई है, क्या ये इस शर्त को पूरा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मेरे को व्यक्ति बता दीजिए कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इसमें टोटल बारह व्यक्ति हो गए जी। कितने व्यक्ति हो गए? बारह व्यक्ति हो गए। अब प्याले गिनो कितने? एक दो तीन चार, चार प्याले तो है राइस के, चावल के,
एक दो तीन चार पांच छह, छह प्याले हैं दाल के, एक दो तीन, तीन प्याले हैं अंगूरी रबड़ी के, क्लियर। चार और छह दस, दस और तीन तेरह, अब बारह व्यक्तियों के बीच में कितने प्याले रखे गए हैं? तेरह प्याले रखे गए हैं। बारह व्यक्तियों के बीच में कितने प्याले रखे गए हैं? तेरह प्याले रखे गए हैं। टोटल पार्टी में इसने प्याले कितने बताए? 78। अब मैं प्यालों के साथ ऐसी क्या प्रतिक्रिया करूं कि इसका आंसर 78 हो जाए? प्यालों को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 13 छीके 78, 78 प्याले हुए कि नहीं हुए? 78 प्याले हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए जी। अगर 12 व्यक्तियों के बीच में 13 प्याले हैं, अगर 12 व्यक्तियों के बीच में 13 प्याले हैं और 13 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 78 हो गया। अगर मैं इस संख्या को 6 से मल्टीप्लाई करके प्यालों की संख्या निकाल रहा हूं तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करके व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। अगर 12 व्यक्ति तो 13 प्याले, 72 व्यक्ति तो 78 प्याले। अब कैसे? मान लीजिए मैंने एक टेबल लगाया, ये मेरा टेबल नंबर है एक, ये मेरा टेबल नंबर है एक, एक टेबल लगाया उसके ऊपर 12 व्यक्ति बैठाए और 13 प्याले, दूसरे टेबल पे फिर 12 व्यक्ति 13 प्याले, तीसरे टेबल पे 12 व्यक्ति 13 प्याले, चौथे टेबल पे 12 व्यक्ति 13 प्याले, पांचवें टेबल पर 12 व्यक्ति 13 प्याले, छठे टेबल पर भी 12 व्यक्ति और 13 प्याले। अब टेबल कितने हो गए? 6। एक पर 13 प्याले तो 13 छीके 78 और 12 छीके 72, क्लियर हो गया। अगर आप कहते हो जी ना मैं तो एक ही टेबल लगाना है, लगाओ लंबो लाखो टेबल पे, लंबा चलेगा टेबल, चलाते जाओ जहां तक चलेगा। लेकिन मित्रों ये चेन जो है आपकी वो यहां 12 व्यक्तियों के बाद वो चेन टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी शर्त को पूरा कर रहा है। अब शर्त को पूरा कर कैसे रहा है? मैंने कहा कि प्रत्येक दो व्यक्तियों के बीच में एक दाल का प्याला, प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच में एक चावल का प्याला और प्रत्येक चार व्यक्तियों के बीच में एक अंगूरी रबड़ी का प्याला। जब मैंने इसका एलसीएम लिया, दो एकम दो, तीन और दो, फिर इसको एक, तीन और एक, और फिर तीन, ये एलसीएम ले लिया तो दो दुआ चार, चार दिया बारह। जब इसका एलसीएम लिया मैंने, ये व्यक्तियों का एलसीएम ले रहा हूं, और व्यक्तियों का एलसीएम लिया तो मेरे पास कितने व्यक्ति आ गए? 12 व्यक्ति आ गए। कितने व्यक्ति आ गए? 12 व्यक्ति। मैंने एलसीएम लिया इस संख्या का, व्यक्तियों का एलसीएम है तो मेरे पास मान आ गया 12 व्यक्ति का। कितने व्यक्तियों का? 12 व्यक्तियों का। अब मित्रों देखो, प्रत्येक दो व्यक्तियों के 12 व्यक्ति हैं और प्रत्येक दो के बीच में एक दाल का प्याला है तो 12 व्यक्तियों के बीच में दाल के कितने प्याले? 6। कितने? 6। प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बीच में एक चावल का प्याला है तो टोटल 12 व्यक्ति हैं तो चावल के कितने प्याले? 4। प्रत्येक चार व्यक्तियों के बीच में एक मिठाई का प्याला है तो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 12। और 12 व्यक्तियों के बीच में मिठाई के प्याले कितने? 3। तो इनको प्लस करो, 6 और 4 10, 10 और 3 13। अब देखो मित्रों बात यही आ गई वापिस, व्यक्ति कितने? 12। और 12 व्यक्तियों के बीच में प्याले कितने? 13। अगर 12 व्यक्तियों के बीच में 13 प्याले तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करूं 78 और 12 को भी 6 से मल्टीप्लाई करूं 72। मतलब 12 व्यक्तियों के बीच में 13 प्याले तो 72 व्यक्तियों के बीच में 78 प्याले। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। मैंने पहले आपको एक वे से बताया कैसे आपने करना, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मित्रों ये था आपका टाइप नंबर 12, मजेदार टाइप आगे वाला। इसके बाद करते हैं 13 नंबर टाइप, और क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना मित्रों। आपसे जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन को कीजिए, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो प्ले करके फिर मेरी वीडियो का आगे आंसर देख लीजिए। अगर आपने कर लिया तो आंसर मैच कीजिएगा। चलो ठीक है मित्रों, और जल्दी मैं जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा आपकी टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, और टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा? लाइव टेस्ट सीरीज चलेगी और आप उसका आंसर दीजिए, साथ साथ आपका आंसर का मिलान भी हो जाएगा। एक मित्रों आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो,
क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो शूट करके आपको स्टडी का मटेरियल दे रहा हूँ, रीजनिंग बेस्ट से बेस्ट तरीके से देने की कोशिश करूंगा। साइंस अजीत जी दे रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट अपने जो टीचर हैं उनके द्वारा अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आपसे उम्मीद रहेगी मेरी कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बेल बटन लगा तो उसे प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मित्रों चलते हैं, बाकी आप समझदार हो, ये बातें रोज रोज कहने की नहीं होती। 13 नंबर देखिए मित्रों, टाइप नंबर 13। अब देखो मित्रों, राजस्थान के दो जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। मैं श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ के बीच में, मैं ये है श्री गंगानगर SGNR HMGH हनुमानगढ़। मैं श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ जाना चाहता हूं, और हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच में 50 टोल नाके। कितने टोल नाके? 50। आप कह दो जी एक है, नहीं अब 50 हो गए, देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद 50 मिलेंगे आपको। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ के बीच में 50 टोल नाके हैं। ये कितने टोल नाके हैं? 50 टोल नाके, ये मान लो 50 टोल नाके, क्लियर। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ के बीच में 50 टोल नाके हैं और मैं श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ जा रहा हूं और मेरे पास दो थैले हैं। कितने थैले? दो थैले। आ लो जी, थैला नंबर 1, थैला नंबर 2, दो थैले हो, ठीक है। दो थैले हैं और प्रत्येक थैले में 50 पुस्तक है। अगर प्रत्येक थैले में 50 पुस्तक है, मेरी रीजनिंग की बुकलेट है इसमें भी 50 है और इसमें भी 50 है, तो टोटल कितनी? 100। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ के बीच में 50 टोल नाके हैं और मेरे पास दो थैले हैं और प्रत्येक थैले में 50 पुस्तक है। हर एक टोल नाके पर, बात को ध्यान से सुनना, हर एक टोल नाके पर एक थैले की एक पुस्तक टोल के रूप में दी जाती है। जैसे ही मैं पहले टोल पे जाऊंगा, बंदा पूछेगा टोल वाला कितना थैला है, मैंने कहा दो। हकीकत बतानी, मैंने कहा दो, वो कहेगा लाओ दो बुकलेट, उसको दो बुकलेट दूंगा। फिर आगे वाले पे जाऊंगा, फिर बोलेगा कितने थैले, मैं कहूंगा दो, वो कहेगा लाओ दो बुकलेट, उसको दो बुकलेट देनी पड़ेगी। अब सुनो जी, हर एक टोल नाके पर एक थैले की एक पुस्तक टोल के रूप में दी जाती है। अगर वह चतुराई दिखाए, अगर मैं चतुराई दिखाऊं तो कितनी पुस्तक बचा सकता हूं? वीडियो को रोक लीजिए, अपना आंसर निकाल के कमेंट कीजिए। राइट आंसर आप आगे चेक कर लेना, मैं करवा रहा हूं। सुनो मित्रों, मेरे पास दो थैले हैं, मैं श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ जाता हूं, अब जैसे ही मैं पहले टोल नाके पर आया, आते ही यहां महाशय टोल नाके वाला पूछेगा कि आपके पास थैले कितने हैं। मैं उसे कहूंगा कि मेरे पास दो थैले हैं और वो मेरे को बोलेगा कि दो थैले हैं तो दो बुकलेट दीजिए। दूसरे पे फिर जाऊंगा, तीसरे पे, ऐसे करके हर एक टोल नाके पर मेरे को अगर दो बुकलेट देनी पड़े तो टोटल टोल नाके कितने हैं? 50। तो 50 में तो थैला पूरा खाली हो गए, दोनों थैले खाली हो जाएंगे। लेकिन इसने क्या कहा है कि आपने चतुराई दिखानी है, और चतुराई दिखाकर आप कितनी बुकलेट बचा सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ जाना चाहता हूं, बीच में 50 टोल नाके हैं, और मेरे पास दो थैले हैं, एक थैले में 50 बुकलेट है, तो दो थैलों में कितनी हो गई? 100 हो गई, दो थैलों में 100 बुकलेट हो गई और प्रत्येक टोल नाके पर
हरेक बैग की, हरेक थैले की मेरे को एक बुकलेट टॉल के रूप में उसे देनी है। तो मैं चतुराई दिखाकर यहां तक जब मैं हनुमानगढ़ पहुंचूंगा तो कितनी बुकलेट बचा सकता हूं। तो ध्यान देना मित्रों, अब मैंने चतुराई कैसे, चतुराई ऐसे नहीं कि यहां से जाओ जी सूरतगढ़ और सूरतगढ़ से हनुमानगढ़, ऐसे नहीं जाना, इतनी भी चतुराई नहीं दिखानी है, टोल नाके क्रॉस करके ही जाना है। जैसे ही मैं पहले टोल नाके पर आऊंगा, आते ही बंदा पूछेगा कितने थैले, मैं बोलूंगा जी दो थैले हैं, वो कहेगा दो बुकलेट दो, मैं दोनों थैलों को न खोलकर एक थैले को खोलूंगा और एक थैले में से दो बुकलेट निकाल के दे दूंगा। फिर दूसरे पे गया, फिर उसको मैंने दो बुकलेट और दे दी, फिर तीसरे पे गया, फिर मैंने उसको दो बुकलेट और दे दी। इस प्रकार इस थैले में से हर एक टोल नाके पर दो बुकलेट जा रही है, इसमें टोटल 50 बुकलेट है। तो मित्रों मेरे को ये बता दो, ये थैला कितने टोल तक चलेगा? ये थैला चलेगा टोटल 25 टोल तक, क्योंकि 25 टोल नाके, मान लीजिए ये 25वां टोल नाका है, 25 टोल नाके हुए और 25 टोल नाकों में ये थैला खाली हो गया। अब थैला खाली हो गया, मेरे पास थैले कितने थे? दो। एक तो खाली हो गया, और खाली का मैं क्या करूंगा भाई, मैंने इसको साथ में देते पहला भाई साहब ये खाली ले जा, थैला साथ में घर पे काम आएगा, मैंने इसको ये थैला दे दिया। इसके बाद क्या हुआ मित्रों, जैसे ही मैं 26वें टोल नाके पर पहुंचा, वहां पहुंचते ही टोल वाला बोला, हां जी कितने बैग हैं, कितने थैले हैं आपके पास? मैंने उसको कहा एक थैला, क्योंकि एक थैला खाली हो चुका है मेरा, और खाली थैले का टोल क्यों दूं भाई, चतुराई दिखानी है ना। तो मैं 26वें टोल नाके पर जैसे ही पहुंचा, उसने कहा कितने थैले? मैंने कहा एक थैला, और एक थैले का एक ही बुकलेट लगेगी। 26वें टोल नाके पर मैंने उसे एक बुकलेट दी, 27वें पर भी एक दी, 28वें पर भी एक दी। तो मित्रों यहां 25 टोल नाके बचे, और 25 टोल नाकों पर 25 बुकलेट दे दूंगा। टोटल मेरे पास 50 थी, तो 50 में से 50 तो यहां लग चुकी है, एक थैला खाली, अब मेरे पास 50 बची, 50 में से 25 लगा दूंगा, चतुराई दिखाऊंगा तो कितनी बुकलेट बचा लूंगा, 25 बुकलेट बचा ली जाएगी। इसका राइट आंसर है 25, राइट आंसर 25। तो ये था मित्रों आपका टाइप नंबर 13, जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, अपनी तरफ से बनाकर कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उसी पैटर्न से करवा रहा हूं। अब मान लीजिए यहां ये थैले तीन कर दे, टोल नाके और बढ़ा दे, कैसे भी करके क्वेश्चन को चेंज करके देगा, करना आपने इसी वे से पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, फॉर्मूला है ही नहीं, काय का लगाओगे। ठीक है जी, ये था आपका टाइप नंबर 13। अब टाइप नंबर आते हैं 14 पे, 14 नंबर टाइप देखो मित्रों, उसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। 14 नंबर टाइप में आपको क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर टाइप, इसने कहा एक आदमी, अब थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन करवा रहा हूं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझने में कुछ स्टूडेंट्स जो है समस्या करते हैं, समस्या का सामना करना पड़ता है, तो मैं हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से लेके चल रहा हूं। तो ध्यान देना मित्रों, इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज दी, एक गडरिये के पास, अब देखो मैं ये क्वेश्चन करवा क्यों रहा हूं, क्योंकि आया हुआ है, एक गडरिये के पास, एक गडरिये के पास 24 भेड़ है, कितनी भेड़ है? 24 भेड़ है, एक गडरिये के पास 24 भेड़ है, परंतु 16 को छोड़कर बाकी सभी मर जाती है। एक गडरिये के पास 24 भेड़ है, 16 को छोड़कर बाकी सभी मर जाती है, तो बताओ कितनी भेड़ उसके पास बची। अब गडरिये के पास 24 थी, 16 को छोड़कर बाकी सभी मर जाती है, कितनी बची? अब 16 को छोड़कर 24 माइनस 16 कर देते हैं, 24 माइनस 16 कर देते हैं, इसके बाद कहते हैं आंसर इसका 8 आ गया। तो इस प्रकार अपनी गलती कर देते हैं,
इसने कहा है कि गडरिये के पास टोटल बेड़े थी 24। समझ तो आपको आ गया लेकिन समझा के फिर मानूंगा। गडरिये के पास बेड़े थी 24, 16 को छोड़कर बाकी मर गई। अरे 16 को छोड़कर बाकी मरी है, मरी कितनी है 8, तो बची कितनी? बची 16। इसका आंसर 16, इसका आंसर यही आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर चल रहा हूं, फिर आपका मजेदार टाइप है वो नेक्स्ट पार्ट में हो पाएगा, क्योंकि इस पार्ट में वो टाइप अपलोड नहीं हो पाएगा। चलते हैं मित्रों आगे, ध्यान देना, सुनो। फिर इसने कहा है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं। इसने कहा है, हाँ ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन मैं अर्थमेटिकल में करवाऊंगा क्योंकि इसका नाम भी तो गणितीय संक्रिया है। गणितीय मतलब मैथ, मैथ है तो मैथ अपने कर रहे हैं। तो सुनो मित्रों, इसने कहा सुरेश की आयु अगले वर्ष एक संख्या का घन हो जाएगी, जबकि पिछले वर्ष उसकी आयु एक संख्या का वर्ग थी। सुरेश नाम का कोई प्राणी है, उसकी आयु अगले वर्ष एक संख्या का घन हो जाएगी, जबकि पिछले वर्ष एक संख्या का वर्ग थी। पिछले वर्ष उसकी उसकी आयु एक संख्या का वर्ग थी, तो बताओ दोबारा से उसकी आयु किसी संख्या का घन होने के लिए उसे कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मित्रों मैं बता देता हूं आपको, एकमात्र ऐसी संख्या जिसके पहले वर्ग और बाद में घन आता हो, एकमात्र ऐसी संख्या जिसके पहले वर्ग और बाद में घन आता हो वो संख्या है 26। 26 कैसे? तो देखिए कैसे, 26 से पहले क्या होता है 25, और 26 के बाद क्या होता है 27। किसी व्यक्ति की आयु है 26 साल, उससे एक साल पहले की आयु जो थी, आज मान लो मेरी आयु 26 साल है, एक साल पहले मेरी आयु क्या थी 25 साल, और 25 जो है वो किसी संख्या का वर्ग है, और वो वर्ग किसका है 5 का वर्ग है। आज मेरी आयु 26 साल है, आज से एक साल बाद की जो आयु है वो 27 होगी, और 27 किसी संख्या का घन है, और घन किसका है 3 का। क्लियर हो गया? ये 5 का वर्ग है, आज मेरी आयु 26 है बताया नहीं है, लेकिन एकमात्र संख्या 26 ही है जिससे एक साल पहले और एक साल बाद, एक साल पहले वर्ग एक साल बाद घन, एकमात्र संख्या 26 ही है। मैंने कहा कि मेरी आयु 26 साल है, एक साल पहले की उम्र थी 25 साल, वो किसी संख्या का वर्ग थी, एक साल बाद में मेरी आयु जो है वो किसी संख्या का घन हो गई, तो वो इस संख्या का घन हो गई। क्लियर? अब इसने क्या कहा, दोबारा से उसकी आयु, दोबारा से उसकी आयु किसी संख्या का घन होने के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मित्रों मेरे को ये बताओ, ये किसकी घन है? ये 3 की घन है। 3 के बाद घन किसकी होती है? 4 की, और 4 की जो घन होती है वो कितनी होती है? 64। 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब देखो 3 की घन 27, अब मेरी आयु है कितनी? 26 साल। मेरी आयु है कितनी? 26 साल है। अब मेरे को 64 साल का होना है, तो मैं कितने साल और इंतजार करूंगा? तो 64 माइनस 26 कर देना, 14 में से 6 गए 8, 14 में से 6 गए 8, और यहां रह गए 5, 5 में से 2 गए 3, 38 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 38 ईयर और इंतजार करना पड़ेगा। आशा करता हूं मित्रों इसके जो 14 या 15 टाइप है वो आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।